मुंबई बाग कहे जाने वाले नागपाड़ा इलाके में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रही 300 महिलाओं के खिलाफ मुंबई पुलिस के द्वारा केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीएमसी की शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर मुंबई बाग में भी महिलाएं नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार यानी कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वहीं मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन कर रही 300 महिलाओं पर केस दर्ज कर दिया है। आपको बता दें कि मुंबई बाग कहे जाने वाले नागपाड़ा में सीएए का विरोध कर रही 300 महिलाओं के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। पुलिस ने यह कार्रवाई बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि बीएमसी की शिकायत पर दर्ज करवाई है। बीएमसी ने अपनी शिकायत में कहा है कि जहां महिलाएं बैठी है वहां पर सड़क का काम करना है, लेकिन महिलाओं के धरने पर कई दिनों से बैठने की वजह से यह काम नहीं हो पा रहा है। बीएमसी की शिकायत पर पुलिस ने शुक्रवार की शाम 6 बजे यह मामला दर्ज किया। महिलाओं पर पुलिस ने बीएमसी एक्ट 314 और सीआरपीसी एक्ट 341 के तहत मुकदमा किया है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही आगे की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। बता दें कि नागपाड़ा में 26 जनवरी की रात से महिलाएं सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों का यहां प्रदर्शन करने की अनुमति भी नहीं है। इस मामले में बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर अलका सासने ने शिकायत दर्ज कराई है। वहीं प्रदर्शनकारियों को गुरुवार तक रोड खाली करने के लिए कहा था, हालांकि प्रदर्शनकारियों ने रोड को खाली नहीं किया है। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली का शाहीन बाग नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन का मॉडल बन गया है। पिछले करीब 50 से ज्यादा दिनों से शाहीन बाग में महिलाएं नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है।